इंसानी बिहेवियर को समझने में कल्चर एक रोल प्ले करता है काफ़ी अहम रोल और फिर ये आस्ता आहिस्ता समझ आने लगती है कि परवेसिव है यानी फैला हुआ है यानी शराय किया हुआ है और प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है ये जो असर है ये बहुत दूर तक गया हुआ है बहुत शराय करता है इंसान की पर्सनैलिटी में उसके बिहेवियर पे और ये बड़ा गहरा है तो जितने हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं और एरियाज़ ऑफ़ फंक्शन है हर एरिया ऑफ़ फंक्शन में चाहे वो बिहेवियर हो चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मामला हो चाहे वो आपकी पब्लिक डोमेन हो प्राइवेट डोमेन हो पढ़ना हो मोहब्बत करना हो जंग करना हो पॉलिटिकल बिहेवियर हो इस सब में जो तमाम एरियाज़ ऑफ़ फंक्शनिंग हैं इनमें जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा करता है तीन मेजर एरियाज हैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन के कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अंडरलाइंग द एडजस्ट एडजस्टमेंट विद इन कल्चर्स एंड एडजस्टमेंट बिटवीन कल्चर्स सो इंटर एंड इंटर कल्चरल तो ये है तीन कॉन्ट्रीब्यूशन जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बहुत इनमें से हर एक को बारी बारी देखते नॉलेज को कैसे कंट्रीब्यूट करती है क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्रॉस कल्चर रिसर्च से जो नतीजे जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि कल्चर्स आपस में इकट्ठे कहाँ हैं एक ही जैसे कहाँ ठीक है और उनमें क्या मिलती जुलती चीजें हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं एक टॉपिक जिस पे काम हुआ है वो है कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन अटैचमेंट मुख्तलिफ रिश्तों से जो हमारी अटैचमेंट होती है वाबस्तगी होती है जैसे बच्चे की माँ से है माँ की बच्चे से है हमारी अपने वतन से है हमारी अपने बाकी घर वालों से है या दो लोग जो एक दूसरे के दोस्त हैं फ्रेंड्स की अटैचमेंट होती है मोहब्बत करने वालों की अटैचमेंट होती है वो आ, उनमें क्या फ़र्क है मुख्तलिफ़ कल्चर्स में ये जिस तरह काम करती है तो एक इसको भी देखा गया है अब ये हमारा नॉलेज बढ़ा रहा है अच्छा फिर माएँ बच्चों को पालती कैसे हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं किस चीज़ की समझ किस उम्र में आती है बच्चे को क्या ये अगर हम पाकिस्तान में देखें या जापान में देखें तो कोई फ़र्क होगा किस मुल्क में बच्चे को कोई चीज़ जल्दी समझ आ रही है या तमाम मुल्कों में बच्चे एक ही तरह बड़े हो रहे हैं ठीक है एक ही उम्र में बोलते हैं एक ही उम्र में चलते हैं एक ही वक्त के ऊपर उनमें चीज़ें की समझ पैदा होती है वो मॉरल रीजनिंग करने लगते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही है सोसाइटी से इंटरेक्ट करने लगते हैं तो ये उम्र की जो स्टेजेस हैं बढ़ने की डेवलप करने की बच्चे की या बड़ों की क्या वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में एक ही जैसी हैं और फैमिलीज़ या माएँ या बाप अपने बच्चों को पालते कैसे सख्ती होती है पनिशमेंट होती है मोहब्बत होती है कुर्बानी होती है पढ़ने कितना देते हैं बाहर कितना जाने देते हैं खिलाने पिलाने में कितनी ज़ोर देते हैं इसमें कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो हमें फिर मिलता है क्योंकि आपने और जगहों पे जाके भी रहना होता है और उस कल्चर के लोग भी आपसे उनका वास्ता पड़ता है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनैलिटी में भी हुई हुई है कि हम अपना इमेज क्या है हमारा शख्सियत क्या होती है और उसमें कल्चर में क्या फ़र्क है देखने सोचने और समझने के जो तरीक़े हैं वो भी क्या कल्चर में फ़र्क है इसका नॉलेज बड़ा है फिर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो शहरों में फ़र्क होता है कई दफ़ा एक से दूसरे शहर में फ़र्क है शहर से गांव में फ़र्क है कि लोग किसी मसले को हल करने के लिए किस स्टेप्स में से गुजारते हैं कुछ लोग रीजनिंग कर रहे होते हैं और कहीं आपको ये नज़र आता है कि कुछ कल्चर में रीजनिंग के बजाय एक बंदा एक बात कहता है और उसके आगे कोई नहीं बोल सकता तो ये वाली चीज़ें जो इनमें भी हमारा नॉलेज बढ़ा इमोशंस पर बड़ा काम हुआ है मोटिवेशन और मॉरेलीटी पे हुआ है मॉरेलीटी होती है अख्लाक तो क्या अखलाकियात के बारे में हमारा नॉलेज बढ़ा कि हम तो इस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं कहीं और इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझा जाता मोटिवेशन क्या जिंदगी में जिन चीज़ों को हम अहम समझते हैं और उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं वो हमारी मोटिवेशन क्या होती है मोटिवेशन भूख से शुरू होती है और चांद पे पहुँचने तक हर चीज़ जो हम करते हैं वो हमारी मोटिवेश तो उसको भी स्टडी किया गया जज्बात को स्टडी किया गया जज्बात को कंट्रोल करने को स्टडी किया गया ये तो नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक फिलोसफी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो है वो इल्फ जो है एक मिसाल है क्रिटिकल थिंकिंग की आप गौर कर रहे हो ना क्रिटिकली सोच रहे हो एनालाइज कर रहे हो तनकीदी नजर से देख रहे हो तभी तो आप दो कल्चर्स को आपस में एग्जामिन करते हैं कि भाई ये सवाल पूछना कि सब जगह ही ऐसा होता है या हमारे कल्चर में होता है ये इट्सल्फ शो करता है कि आप फिलोसॉफिकली तनकीदी तज्याती अंदाज में सोच रहे हैं इसके ज़रिए आप चैलेंज करते रहते हैं जो जो आइडियाज़ होते हैं जो जो नॉलेज मौजूद होता है उसको हमेशा चैलेंज करते रहते हैं इसके ज़रिए आप तनकीद करते रहते हैं और नॉलेज को बेहतर बनाते रहते हैं साइंस के पीछे जो मंतक है जो लॉजिक है वो यही है कि हम क्रिटिकली सोचें और हमेशा ओपन रखें कि जब फैक्ट का पता चले तो हम अपने नॉलेज को उसमें अपने नॉलेज में उसको शामिल करें और पढ़ाएँ